तेल ने अब तक क्या चल रहा है कुछ समझ नहीं आ रहा। लड़ाई हो गई सीरियस वाली। मैं कुछ गलत तो बोला नहीं पहली चीज। हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय व्लॉग चैनल। आवाज भारी हो चुकी है। प्रतीक भाई का पेट भारी हो चुका है। हमारे अंश भाई की तबीयत भारी हो चुकी है। तबीयत इनकी खराब है, मेरी थोड़ी ठीक है लेकिन गला तो डिस्टर्ब है। ये हो गया मैंने मस्त मलंग आ गई ना मेरी खराब हो जाती है। आई नो दैट। आज राहुल को हॉस्पिटल लेके गया था। खराब है हॉस्पिटल इन द सेंस डॉक्टर को दिखाने से दवाई उवाई दिया है पैरासिटामोल भाई। हुई है इसकी कब हुई है? हम दोनों की हो जाएगी ना थोड़ी देर बाद इसकी होगी। जब ये दिल्ली जाएगा ना मैं बताता हूँ, जब ये दिल्ली जाएगा तब इसकी तबीयत खराब होगी। दिल्ली क्या अच्छा है? बोकारा कलंड। आज हम लोग आए शूट पे। अंश भाई का तबीयत खराब है तो पता नहीं वो वीडियो शूट करेंगे नहीं करेंगे। मैं कह रहा हूँ अंश भाई ये पोंक रहे हैं। पोंक रहे मतलब पोंक इन द सेंस लूज मोशंस। और हम लोग जाते देखते हैं अभी शूट वगैरह का क्या कैसा है। बाकी हम लोग थोड़ी यहाँ ऋतिक भाई को कमेंट पास करना था तो बोले कैसी कोई ऐसी जगह ले चलो जहाँ आदमी या लड़कियाँ गुजरें तो ये कमेंट पास कर सके। तो मुंह बरा बरा ये अब इस तरह करेंगे गंदी चीज़ें। थोड़ी एक प्रॉब्लम आ रही है ऋतिक भाई, पता नहीं जम्मू दिल्ली रीवा तीन जगह पड़े हैं लेकिन इनको मैं लिखते नहीं आता है। मैं को क्या माऊ माऊ लिख रहा हूँ। इसकी स्टोरी खोलो, इसकी स्टोरी खोलो आगे। ये आज का व्लॉग सबसा अच्छा अच्छा है। दो बेजा रेडी रेना। ये मादर चोद कटाक्ष लैंग्वेज सबसा सबसा अच्छा हाँ है। हाँ ठीक है। दो बेजा दो बेजा रेडी रेना। खुद ही हंस रहा है। हंस मत शर्म कर और रो अकेले उधर अकेले जाके। कब तक कमेंट पास करेगा इस तरह खड़े होके? हंस मत सोच सोच और रो। लैपटॉप तोड़ दिया एंड पेड़ सा गिरा गिरा अंश भैया। पेड़ जिस तरह कट के नहीं गिरता है उस तरह अंश भैया गिरा। अंश भाई बहुत कर रहे हैं शॉपिंग। हम लोग कुछ खाने पीने का सामान ले लिए हैं और आ गए हैं शूट पे। थोड़ी सी हम लोग पुरानी चीजें देख रहे हैं और इस पर हमको दिखा कि मैं और अंश पहली वीडियो जो साथ किए थे पहली मिले भी पहली बार थे। डेट मतलब जून ही कुछ जुलाई बता रहा हूँ 2020 का है मुझे याद है। 18 को वीडियो आया था मतलब वही ये 16 समथिंग 14 मान लो 14 अभी भी थोड़ा ठीक नहीं हुआ। 14 जून उनको जुलाई को अपन पहली वीडियो साथ किए थे। हेट मी आई डोंट केयर माई लाइफ माई रूल्स लव और हेट मी आई डोंट केयर। लिखा क्या है? मरने वाले तो एक दिन मर बिना बताए मर जाते हैं। रोज तो वो मरते हैं जो कुछ ज्यादा किसी को किसी और से प्यार किसी और को चाहते हैं। बाथरूम में खड़े होकर फोटो खींचा चश्मा पहन वो देख लो 2015 के लाइफ में सब किया पर हर्ष भाई जितना कुछ नहीं किया बट ये चीज भी नहीं करी है जो आज भाई ने की है। क्या बहुत ही गंदे थे क्या ये? ये लोग इतने ज्यादा आलसी हो चुके हैं मतलब क्या ही बोले। फोन चलाते रहेंगे न खुद शूट करने का इनका मन करता है और इनके चक्कर में मेरा मन भी मरा जा रहा है। तब से लगातार अचानक से दोनों को जोश आएगा कि चलो शूट करें। अचानक से चुप हो जाएंगे पलथी मार के देखो बैठे इतने बड़े उसमें और अपना फोन चला रहे हैं। कुछ मन ही नहीं कर रहा है अब शूट वगैरह करने का। मैं व्लॉग भी ज़्यादा नहीं किया हूँ। ऐसा लग रहा है कि रेस्ट जो लेना था अभी ले लेना था। गलत टाइम पर रेस्ट ले रहा है। जब रेस्ट लेने का मौका आएगा जब समय आएगा कि अब निकल रहे हैं 20 आ चुकी है अंश भी निकल रहे हैं मैं भी निकल रहा हूँ तब लगेगा कि नहीं अब वीडियो करते हैं और तब वीडियो कर नहीं पाएगी मैं जानता हूँ। और अभी समय है तो अभी लग रहा है कि नहीं अभी रेस्ट। मुझे लग रहा है तबीयत खराब होने वाली है ये यार चुदना नहीं कल आ जाना यार। राहुल भी नहीं शूट करने वाला। सुन मेरी बात घर जाके पैरासिटामोल खा लेना भाप वाप ले लेना सूप पी ले। लड़ाई हो गई सीरियस वाली। उसका बैग उठा के फेंक दो पहले फ्लोर से।
थैंक यू। बुखार तेज चढ़ चुकी है, रुक जा। कुछ हुआ तो मैं आंटी से कंप्लेन करता हूँ कि ऋतिक मारा था। मम्मी आपको बोल रही है, बोलेगा अभी नहीं करा, बोले नहीं भी बेटा ये क्या हुआ, क्या जस्ट अभी निकले, जस्ट अभी निकला, अभी निकला बेटा, वो तो यही बैठा है, सुनो तो पूरा। कभी कभी ऐसा हो जाता है कि आज का जब कॉल मतलब डेड हो जाता है, मतलब फोन स्विच ऑफ होता है, तो आंटी का फोन मेरे पास आता है, अंश कहाँ पे है, तो मैं बोलता जस्ट हमेशा जस्ट अभी निकले बस आप चाहे होंगे। उनका फोन अगर कभी मेरे पास आ जस्ट अभी निकला तो हेलो बोलने से पहले जस्ट अभी निकला जस्ट, आंटी मम्मी बोले ये बैठा हुआ है, मैं किसी और काम के लिए लगा रही हूं। पिक्चर देखें ऋतिक भाई, तू तो कोई देख बोला था ना देखना है, बड़ा भी हिम्मत नहीं हो रही। चलो गया हर्ष, अपन दोनों चलते हैं ऊपर देखने। चलो ठीक है, मैं तो देख चुका हूं। कैसी है? ठीक है, बेकार। मेरा मन ही नहीं कर रहा सही, तो मेरा एनिमल देखने का मन है। एनिमल देखेंगे चलेंगे। गंदे गंदा आदमी, गंद फैला रहे थे। उठा ले उठा ले उठा ले, शैतानी कुछ भी करो। एक बादर चुप है, ऊपर चले जाओ को लगा बा, मुझे लगा दब गए। खोला यार, इस खुल जाए तो यार, जीरो जाना है अभी, बंद था ये नहीं घर, जीरो जाना है, जीरो जाना ना, जीरो जाना है। अच्छा सॉरी, पकड़ फिर इसको, बैग में डाल दो, डाल दे। वी आर लीविंग विदाउट एनी शूट, जस्ट आए थोड़ी सी वक्त की शूट करने की कोशिश की, हमको पता है यार इस समय थोड़ी ना शूट करने का उतना मन नहीं है। वहाँ कितनी शांति है, लाइटिंग कितनी अच्छी है यहाँ पे, करेंगे खत्म करते हैं, चल ढंग कर लेते, चल अच्छा। शांति नहीं मिल पा रही थी हमको, और एक वो जो एनवायरनमेंट होता है शूट का वो नहीं बन पा रहा था, अचानक से बन गया। मैं बहुत मारूंगा, बहुत मारूंगा मैं, वो जो तो लगी है ना वो गले में पकड़ के पूरा लगा हुआ है, ये कर लो ये कर लो, बाथरूम जाना इधर जा। ब्लॉग कर नहीं पाया क्योंकि करना नहीं चाहा। नहीं नहीं एक्चुअली मेरे को थोड़ा डाउन फील हो रहा है, अजीब सा, उनसे ज्यादा कि हमसे ज्यादा पीरियड्स है, थोड़ा ऐसा लग रहा ऋतिक भाई को पीरियड्स आए हैं। मजाक मत उड़ाओ, मजाक नहीं रहा, आप इतना रिएक्ट कर रहे हो कि उड़ा रहा, मतलब आपका मजाक उड़ा रहा हूँ मैं। पीरियड्स वालों के लोग अनफॉलो कर देंगे, मैं कुछ गलत तो बोला नहीं, पहली चीज मैंने बिल्कुल ऋतिक भाई को हो रहे हैं तो बेइज्जती नहीं हुई पीरियड्स, मैंने बिल्कुल भी बेइज्जती नहीं की, कौन कह रहा बेइज्जती, बेइज्जती है आप इतना रिएक्ट कर रहे हो क्या? ये आप बताओ, मैंने बोल दिया कि ऋतिक भाई को पीरियड्स आ गए, बोले मैंने पीरियड्स क्या बेइज्जती का, मतलब कितना, मतलब कुछ भी, ये तुम्हारी जैसी मेंटालिटी वाले लोग ना समाज को ना गंदा करते हैं। हाँ तो क्या बोला, तो आ रहे वो तो मैं जानता हूँ आ रहे, आप एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो कि आपको आए हैं, चलो आ रहे अच्छी बात, वो तो मैं जानता हूँ, वो तुम्हें देखा भी था, वो लड़के जिनको पीरियड्स आते हैं, जेको शक नहीं गेड़ी चक नहीं, गर्लफ्रेंड का कॉल आता है, याद है सुनील कुमार। हेलो गर्लफ्रेंड भैया, आवाज चेंज करके बात करती है, कोड वर्ड में बात करते हैं गर्लफ्रेंड से, बताऊं अब अभी कैसे बताऊं क्या रेट है कल, ओ रेट गर्लफ्रेंड से रेट। अभी यादव जी बाहर गाड़ी चला रहा हूं, वैसे ही हो नहीं है, चाल नहीं हो भाई, एल्विश यादव से बात कर रहे हैं। दो दिन से शूट नहीं हो पा रहा है, अभी छह दिन बाद में भी नहीं होगा, तब तो छह दिन बाद तो बिल्कुल नहीं होगा, इनकी तरफ से तो बिल्कुल ही नहीं होने वाला है, मैं फिर भी कर सकता हूँ, नेवर नो, यू नेवर नो, जहाँ मुंडा सन का मैं होटल रूम में रह के कर लूँगा, मैं तो वीडियो भी सोचा हुआ हूँ। एक टी शर्ट लेने चल रहा है, अभी नहीं मिलेगा, नहीं पैसे नहीं है, नहीं 16 तक चले, हाँ 16 को कल पितृपक्ष का दिन है, उसके बाद अभी मैं कुछ नया नहीं ले सकता, सोच रहा हूँ एक दो से टी शर्ट थोड़ा सा, मैं भी सोच रहा हूँ एक दो ले लूँ, वैसे बहुत वो नहीं, ऐसे थोड़ा, मैं ये अभी नहीं खरीदा था ना, इतना गंदा पानी साले को सफ़ेद पड़ने लग गई,
एक वॉश पे। किसका, बोर का कि सप्लाई का? बोर का, तो सप्लाई का बल्कि अच्छा होता है पानी होता है। तो मम्मी ने बोला कि वो सप्लाई का पानी ले लो, मैं बोलता घर चेंज कर देते हैं। मम्मी ने बोला औकात में रहो, चलो सप्लाई के पास। उसमें आवेदन वगैरह देना पड़ता है ना, ये काम मेरे से नहीं होता, ये कि जाके आवेदन दो, ये नहीं हो पाएगा कि आवेदन लिख के दो, मत लगाओ भाई, हो जाए टी शर्ट गंदी। मेहनत मैं नहीं करता, मेरी गंदी आदत है इस मामलों में कि आवेदन दे आओ, इसके लिए अप्लाई करो। फिर आज क्या हो गया, थोड़ी सी अब कुछ नहीं हुआ तो पिक्चर का प्लान किए हैं, लेट नाइट बिल्कुल आखिरी शो, तो अभी निकल रहे हैं घर, घर से जाएंगे सटाक से। नहीं मेरे साथ नहीं, घर पे एक बार बोला था कि ड्रीम गर्ल टू देखने तुम लोग के साथ। ये ले सुन ले घर वाले, चलो निकल रहे हैं अभी, घर जा रहे हैं, घर से वापस आते हैं और 9:30 साढ़े नौ, चलो 9:30 मिलते हैं, ठीक है। चीज 9:45 का शो था, साले को ये लोग 10 बजे आए हैं, ये डिब्बा लेके आवा है तक खाए का। अरे दुकान खुलवाया रात को मेरी। अरे भाई इतनी देर में तो मादर चौथ फुकरे फोर लग जाइए। ये आदमी टिकट ले रहा है, वो आदमी सामान रखवा रहा है, अब मैं यहाँ पे विकलांग खड़ा हूँ, क्या करूँ। गद्दी के भाई अंदर अच्छा कुछ नहीं, कुछ नहीं कुछ नहीं, चलो हो गई। इंटरवल हुआ है और ये लोग, चलो जी भाई कैचअप दे दो, और दो तीन दे दो। हाँ बस कैचअप तीन ले लिया, और कैचअप लेना बहुत इम्पोर्टेंट है, पकड़ इसको। मेरे जैसे एक्सट्रोवर्ट रहोगे सब मिलेगा, पकड़ तो क्या ले भाई। ये पता है मैं वो देखने जाऊंगा, अगर दिल्ली में रहूंगा ना मैं वो लियो देखूंगा, लियो 19 को लग रही है उसकी, विजय थालापति की, आई लाइक विजय थालापति। मैं क्या बोल रहा था, मतलब कुछ ठंडी बहुत लग रही है फोटो के चलते, अभी ऐसी ऑन किया पता हूं, पूरे उसमें गर्मी लग रही थी। पर इस तेल ने अब तक क्या चल रहा है कुछ समझ नहीं आ रहा, कैसी है तुझे, तू दूसरी बार देखा हुआ हूं, तू कैसी लगी तुझे? नॉट दैट गुड, मजा नहीं आया, बहुत खराब यार, इनका नगर था, ऐसे परेशान हूँ मैं। पिक्चर का अगर रिव्यू दूँ तो मजा नहीं है, बीच में तो समझ नहीं आ रहा था कि क्या कैसा चल रहा है, क्या कैसा है, स्लो है बहुत, एडिट बहुत अच्छी हुई है, एडिट बहुत अच्छी है, सीन्स कुछ कुछ मुझे बहुत अच्छे लगे, लेकिन ओवरऑल स्क्रिप्ट बेकार है। बाकी हो गया पिक्चर पिक्चर देख के 12:30 होने लग गए हैं और अभी खाली हुए हैं, सिनेमा डे बना लिए। तो हो गया, इस ब्लॉग को अपन यही खत्म करते हैं, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, टिल देन लाइक शेयर सब्सक्राइब। अरे भाई दूध ले लो, दूध ले लो। कैरी वाली हमारी कर ले, कौन सी वो दादू, चाचा वाली, दादा वाली, अच्छा ये बेटा कैरी। चलो निकलो यहाँ से, खोलो।